ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. यहाँ पे मैं फ्यू अहादीस आपको आपको बता के आगे बढ़ता हूँ. निकाह का इंपॉर्टेंस क्या है. ओके, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء. من استطاع, मैं अभी प्रिपरेशन की बात चल रही ना, शादी की, शादी की प्रिपरेशन की बात चल रही ना, अल्लाह के नबी ने ऑलरेडी इधर बोल दिया استطاع, जिसके पास वो जो प्रिपेयर्ड है, जो प्रिपरेशन कर सकता है, जो अपने आप को रेडी कर सकता है, तैयार कर सकता है, किस चीज का, अलबाअता. अलबा, अलबा का मतलब होता है दो, एक फिजिकली, फिजिकली मतलब क्या, स्ट्रेंथ मींस व्हाट, कैपेसिटी है टू मैनेज द थिंग्स. यस, गुड. बट सिंस इट हैज डायवर्ट एक डीपर मीनिंग, नॉट ओनली फिजिकल फिटनेस. ओके, ताकत है, मर्द है, इरेक्शन है, उसको पावर है, इरेक्ट होता है. नो, ये एक है, इसका इंपॉर्टेंस है. अलबा का मतलब है कि इंसान जिस्मानी एतबार से, बदनी एतबार से कंप्लीटली तैयार हो, नॉट ओनली सेक्सुअल, इवन मेंटल. मेंटल इज द इंजन ऑफ आवर बॉडी, माइंडसेट. समझे आपने, बा आ जो जिस्मानी, जो फुकहा ने दोनों तैयारी बताई, फुकहा फकीह, उन्होंने प्रिपरेशन ऑफ द निकाह को दोनों बताया कि भाई बदन का तैयारी भी होना है, जिस्म के एतबार से तैयार होना है. व्हाट इन बदन, इन जिस्म, इन बॉडी मींस व्हाट, नॉट ऑर्गन ऑफ सेक्सुअल, क्या बोलते हैं कि फंक्शन का वो ऑर्गन है, लेकिन माइंड, इंटेलिजेंसी, वो मैच्योरिटी है क्या नहीं उसके अंदर, वो भी आता है. दूसरा है अलबा का मतलब क्या, माली हैसियत. जजाकल्लाह खैर. माली हैसियत, खुद कमा सकना है, बच्चों को, बीवी के ऊपर खर्चा करना है, शेल्टर देना है बीवी को, खाना देना है बीवी को, कपड़ा देना है बीवी को, बच्चे पैदा हो जाएंगे, प्रेग्नेंट होगा, उसका ख्याल रखना है, स्पेशल ख्याल रखना है, उसके नीड्स है, उसकी ताकत होना है. मैं मुश्किल होकर नहीं बता रहा हूं, मुश्किल भी नहीं है, अल्लाह ताला ऐसे भी दे सकता है. ओके, मैं बता रहा हूं प्रिपरेशन कितना वाइडली अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑलरेडी बताया. और एक हदीस है, मन तज़व्वजा फ़क़द इस्तकमल निस्फ़ल ईमान फ़लयत्तक़िल्लाह फ़िल निस्फ़िल बाक़ी. जो आदमी निकाह करता है उसका आधा ईमान जो पेंडिंग था वो मुकम्मल हो जाता है. पहले से आधा ईमान था उसका, लेकिन ओनली बिकॉज ऑफ निकाह हिज फेथ हैज कंप्लीटेड. क्या भाई, शादी से पहले वो आधा मोमिन था क्या? अभी फतवा नहीं देना बाहर जाके, जो भी शादी नहीं करे आधे ईमान वाले बोल के ना, ऐसा मतलब नहीं है, ऐसा मतलब नहीं. इसमें थोड़ा डीपर हम बात करें, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है. निस्फ ईमान का मतलब क्या है, मालूम है? देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शादी के बाद ही हमको प्रैक्टिस करने को मिलते हैं. शादी के बाद जो हम लोगों की जिंदगी बदल जाती है. शादी से पहले मेरा खाना, मेरा पीना, मेरा सोना, मेरा उठना, मेरा घर से बाहर जाना, घर से बाहर आना, मैं सिर्फ अपना इंडिविजुअल नीड को सामने रख के मैं डिसीजन लेता था, मैं जब चाहे जाऊं, जब चाहे आऊं, जो चाहे खाऊं, जो चाहे ना खाऊं. तो शादी के बाद एक अलग सोल है, उधर अलग बॉडी है, मुझे हर काम में क्या मैं पहन रहा हूं मुझे देखना है कि वो उसको पसंद आता है कि नहीं. मैं जा रहा हूं इस टाइम में, इज इट रिलेवेंट टाइम टू गो. मैं इस टाइम में घर पे आ रहा हूं, क्या ये ठीक टाइम है क्या. एक होता है आपका एक्सटर्नल जो भी लाइफस्टाइल है उसके अंदर आपको फील करना पड़ता है कि तुम अभी अकेले नहीं हो, तुम्हारी हर जिंदगी की एक्टिविटी में दूसरी एक जान है, उसके उसका ख्याल करना पड़ता है, उसके साथ मैचिंग होना जरूरी है. ओके, और एक है जो हमें सोचना पड़ता है, इमोशनल. मैं अकेला गुस्सा पहले हो जाता था, पहले मैं गुस्सा होता था, खुश होता था और मजे लेता था और
उदास भी होता था, सब कुछ करता था, लेकिन शादी के बाद सिर्फ मेरी फीलिंग का ख्याल रखूंगा तो काफी नहीं है, कोई और भी है, उसकी फीलिंग का, उसके इमोशंस का भी मुझे ख्याल रखना है, हैंड टू हैंड जाना है, गॉट इट। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी अहादीस आप उठा के देखिए, हाँ कितने में अहादीस आपको बताऊं, आगे बढ़ाता हूं मैं इसको। निस्फ ईमान का माना अगर मैं इसको और डिस्क्राइब करूं, बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन है, बोल देता हूं। ईमान का माना क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ईमान क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ईमान? बिलीफ इन अल्लाह, इट इज वनस। हाउ? हाउ? बाय सीइंग द नेचर। इट इज अ सोर्स, रिसोर्सेस फॉर मी। व्हाट इज द ईमान इटसेल्फ? सेइंग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जबान से बोलना ला इलाहा इल्लल्लाह का, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जबान से बोलना, और दिल से मान लेना, करार कर लेना, तस्दीक कर लेना, और उसके मुताबिक, उसके अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस करना। गॉट इट सर? ओके। अब निस्फुल ईमान को आप उससे जोड़ो, निस्फुल ईमान यानी निस्फुल ईमान मतलब ईमान का आधा है। अब जो प्रैक्टिस वाला जो हमारी जिंदगी है ना, शादी से पहले बहुत ही नैरो लाइफ है हमारी, प्रैक्टिस के लिए नमाज पढ़े, रोजा रखे, खाए पिए, तस्बीह करिए ही, लेकिन शादी के बाद एडिशनल जो प्रैक्टिसेस आते हैं ना, वो बहुत बड़ा कंटेंट है, बहुत बड़ा एक एरिया है वो। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, अमली एतबार से तुम्हारा ईमान, अमल यानी प्रैक्टिकली तुम्हारा ईमान शादी से पहले क्या है? आधा है। कंप्लीट जो फंक्शन जो होगा ईमान का प्रैक्टिकली, वो शादी के बाद होगा। आपको कमाना है, आपको घर वालों को टाइम देना है, उनके फीलिंग को समझना है, उनके साथ रहना है, वो गुस्सा होंगे तो सबर करना है, उनको लीड करना है। देखो आगे की हदीस, इन अअज़म सदकति लुक्मतन यदहु अर्रजुल फी फमी ज़ौजती फमी इम्रातिही, एक रिवायत के अंदर आता है, और एक रिवायत के फमी ज़ौजती। ये है, ये प्रैक्टिस। सबसे एक नोबल, सबसे बड़ा चैरिटी एक जेंट का आपका शादी के बाद क्या होगा मालूम है? अपने खर्च तो सही है सर, उसमें भी छोटी चीज का अल्लाह के नबी ने इतना बड़ा इंपॉर्टेंस दिया, अपने बीवी के मुंह में खाने का लुकमा डालना, अफ़ज़लु सदका। देखो ईमान कैसे है, पे हमारा कंप्लीशन, कंप्लीशन ऑफ ईमान कैसे होता जा रहा है ना, ग्रेजुअल। आगे बढ़ते हैं, खैरकुम खैरकुम लिअहलिही व अना खैरकुम लिअहली, तुमने बेहतर ईमान वाला, बेहतर तकवा वाला, अल्लाह से डरने वाला कौन है? जो अपने फैमिली के लिए अच्छा हो। यार शादी नहीं हुई तो कहां तुमको मालूम पड़ेगा फैमिली क्या है? शादी के बाद पता चलता है कि फैमिली क्या है। शादी के बाद मालूम पड़ता है कि मां के साथ एक्चुअल कैसे रहना है। शादी से पहले हर आदमी मां के पल्लों में हर एक आदमी रहता है। शादी से पहले हर एक को मां बोले तो मां मेरा बेटा, अब मां की फीलिंग भी यहां पर थोड़ा सा लड़खड़ाते हैं, क्या मेरा बेटा मेरे से दूर गया क्या, क्या मेरा बेटा मेरे हाथ से जाएगा क्या, ये फीलिंग्स आते हैं, नेचुरल है, उसकी मोहब्बत है, उसकी वो सस्पिशियस माइंड नहीं है, उसको नेगेटिव मतलब, नेचुरल है, हर मां चाहती है। तो वहां पे आपको देखना पड़ता है कि यार मैं अभी, मेरा स्टैंड कैसे होना, मेरा इस्तिकामत कैसे होना। ये यहां पर खैरकुम खैरकुम व अना खैरकुम लिअहली, मैं अपने फैमिली के लिए सबसे अच्छा आदमी हूं, अल्लाह के नबी ने फरमाया। इज़ा माता इनकता अनहु अमलु, ये हदीस सबको मालूम है, इंसान मर जाता है तो अमल का दरवाजा खत्म हो जाता है, लेकिन एक दरवाजा बाकी रहता है, उसमें से है वलदुन सालिहुन यदउ लहु, नेक बच्चे तुम्हारे, और नेक बच्चे कैसे होंगे? शादी से होंगे, नऊज बिल्ला थुम्मा नऊज बिल्ला। जिना से भी अगर किसी ने बच्चे किया तो बच्चे वो बाप के होंगे, वलदुन जिना बाप का नहीं होगा, नऊज़ बिल्ला। ये भी आपकी इंफॉर्मेशन के बता रहा हूं, अगर किसी ने, होता है आजकल प्रेग्नेंट हो जाते हैं शादी से पहले लड़कियों का, फोन आता है हमको, क्या करेंगे, अबॉर्शन करना क्या, क्या करना क्या, ये करना क्या, तो बच्चा हो जाता है, नऊज़ बिल्ला, कॉमन है आजकल। ओके, तो वो बाप का बेटा नहीं होगा। असली बाप का बेटा होने के लिए असली सोर्स होना जरूरी है, सच्चा सोर्स होना जरूरी, सच्चा सोर्स है निकाह। तो मरने के बाद जो मेरा बेटा जो दुआ देगा, वो भी रीजन क्या है, शादी है।